देश भर में होली का पर्व बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स यूनिवर्सिटी में भी होली का पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजन के साथ होलिका दहन किया गया। इस दौरान इंडियन मेडिकल ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शोभा तोमर और निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग तोमर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ चुका है। आप देख रहे हैं होलिका दहन हो गया है, बुराई पर अच्छाई की जीत एक तरह से। और इस वक्त पूरी होली जल रही है, पूरे देश भर में होली जला दी गई है। होलिका दहन का मुहूर्त 6:12 से था और यहाँ आप देख सकते हैं लोग भी खड़े हुए हैं इस शुभ घड़ी में, इस शुभ घड़ी के साक्षी बनने के लिए काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त वो शुभ घड़ी शुरू हो गई है, होलिका का दहन हो गया है। 6:12 से जो मुहूर्त था उसके साथ ही होलिका दहन यहाँ कर दिया गया है, तो होली जला दी गई है, होलिका का दहन हो गया है। हमारे साथ कुछ अतिथि मान्यगण भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार जो होली जलाई गई है तो एक खौफ भी है लोगों में कोरोना वायरस को लेकर, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस बार होली तो जला दी गई, लोग होली भी मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पर्व खत्म हो जाएंगे इस वायरस से, लेकिन एक अनजाना डर है। आप डॉक्टर भी हैं, तो इस डर को लोग कैसे इस होली पर दूर करें और इस होली पर क्या कुछ खास ऐसा करें कि जो कोरोना वायरस का खौफ है वो लोगों के जहन से निकल जाए? भानु, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है, लेकिन आप यहाँ देखें जो लोगों में उत्साह है, कितनी भीड़ इकट्ठी है, तो कोरोना वायरस का डर किसी में नहीं है। ये डर उत्पन्न किया गया है और आप यह देखिए निम्स में आधे से ज़्यादा सदस्य सब यहाँ पे मौजूद हैं और होली का दहन में शामिल हैं, तो इसलिए ये डर है। ठीक है, थोड़ा डरना चाहिए, थोड़ा साफ़ सफाई से रहें, जैसे आ रहे हाथ धो के काम करें और नाक मुँह के हाथ ना लगाएं, जो बीमार है उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, बाकी कोरोना वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और सभी लोग आप देखिए यहाँ कितनी भीड़ लग रही है, सभी लोग होली का दहन में शामिल हैं और खुशी से सब पर्व में शामिल हो रहे हैं। यानी कि सर जिस तरह से हमारा त्यौहार मन रहा था और उसी तरह से त्यौहार मनेगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतने की जरूरत है, बाकी त्यौहार जो हैं वो त्यौहार तो मन ही रहे हैं। और आप देखिए कितनी भीड़ है, लोग उपस्थित हैं, तो इतना कोरोना वायरस के भय से भी जब उपस्थित हैं इसका मतलब लोग वो अभी भी पर्व मनाने में जो खुशी मिलती है वो। तो बिल्कुल सर ने बताया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। हम सावधान रहें, साफ सफाई रखें और सावधानी के साथ साथ जो इन्फेक्टेड अगर कोई लगता है तो उससे दूरी बनाकर रखें और तुरंत डॉक्टर से इसका परामर्श लें। हमारे साथ शोभा तोमर मैम भी हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम, होली आ गई है, होलिका दहन भी हो चुका है, कल हुड़दंग होगा होली का, तो इस पर लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? देखिए, होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है और कल होली का हुड़दंग तो होगा, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। और अब ये होली का जो होली जलाई है, इसकी गर्मी से मेरे को लगता है कोरोना वायरस भी भग जाएगा, यहाँ से सारा ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे कोरोना वायरस से इतनी हम जो इतना वो डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गला ख़राब होता है तो विटामिन सी की गोली ले लें, 3-4 अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करिए, ऐसा कोई खास बात नहीं है। जितना हम डर पैदा हो गया उतना है नहीं। बिल्कुल मैम, लेकिन एक सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि इस बार थोड़ी दूरी बना कर रखें, मेल मिलाप थोड़ा कम करें, और साथ ही साथ सरकार ने भी अपने कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो स्थगित कर दिए हैं। सरकार ने जो अपने जो प्रोग्राम काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम इस डर से स्थगित कर दिए, तो क्या वाकई अब एक इतना बड़ा ये कोरोना वायरस हमारे देश के लिए खतरा आगे चल कर बन जाएगा कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। चाइना वगैरह में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो सांप, बिच्छू, मछली, कुत्ते, बिल्ली सब खा जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए इंडिया को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। यानी कि आप कह रही हैं कि जो होलिका दहन हुआ है इससे जो धुआं निकलेगा, जो आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाता है, उसका जरूर कोरोना वायरस को लेकर जरूर देश पर एक इफेक्ट पड़ेगा, हमारी हवा साफ होगी, शुद्ध होगी। थैंक यू, थैंक यू।
जी तो होलिका दहन हो चुका है, कल लोग होली के हुड़दंग में जरूर रंगे नजर आएंगे और उसके साथ पूरे देश में होली का हुड़दंग शुरू भी हो चुका है। यहाँ आप तमाम भीड़ देख सकते हैं, ये गवाह है कि कोरोना वायरस जैसे वायरस हमारे पर्व हमारे उत्सवों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सदियों से होलिका दहन हमारे हिंदुस्तान में होता आया है, हमारे पर्व भाईचारे और एकता के रूप में लोग मनाते आए हैं और इस बार भी मनाते रहेंगे। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन कैलाश के साथ मैं भानु दीक्षित। लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर दो छात्र चैन स्नेचर को गिरफ्तार किया, तो वही बदमाशों की